दिखती है आपको, शॉर्टकट में कम टाइम में ज्यादा काम, और यहाँ से लगाएंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से पट्टी छापी है हमने, और ब्लैक ग्रेनाइट के ऊपर व्हाइट पट्टी कितनी शानदार, सुई की नोक बारीक, वो भी अंदर नहीं आएगा, इतना भी छेद नहीं दिखाई देगा आपको, परफेक्ट ज्वाइंट आएगा। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ सीडी के टप्पा किस प्रकार से बनाए। हम ग्रेनाइट का टप्पा बनाएंगे, और पूरी मेन सीडी है फ्रंट की सीडी में ग्रेनाइट का टप्पा। ग्रेनाइट के टप्पे में दोस्तों आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हम पट्टी बनाएंगे ग्रेनाइट में। तो इसमें क्या है, पाव स्लिप नहीं होता, ये फ्रंट की सीढ़ी है मेन, यहाँ पे पानी आएगा बारिश का टाइम में, तो पानी से पैर स्लिप नहीं होता, तो इसमें हम पट्टी बनाएंगे। पट्टी दोस्तों किस प्रकार से बनाते हैं, मैं इस वीडियो में आपको पूरी पट्टी बनाने का, आपको वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा पट्टी बनाने के बारे में। और हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर दबाएं, आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपको मिलेगी हर सोमवार शाम 6 बजे। और दोस्तों को आगे शेयर करना, उनको भी हेल्प मिलेगी हमारे वीडियो से। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ से 1 इंच की मार्किंग करेंगे हम। ये व्हाइट पेंसिल है, गिलास पर चलाने की काम में आती है। ये ग्रेनाइट पे दोस्तों ये व्हाइट पेंसिल चलेगी, ये दोनों तरफ 1 इंच और ये 2 इंच, 2 इंच, और यहाँ पे रखेंगे हम पट्टी। तो गेज पट्टी खराब है दोस्तों, यहाँ पे रखेंगे हम ग्रेनाइट की पट्टी। पट्टी की सहायता से हम लगाएंगे, इस पे ग्लेंडर से लाइन खींचेंगे, दोनों तरफ 22 लगाएंगे, 22 से पट्टी फिटिंग करेंगे। इस प्रकार से पट्टी हिलेगी नहीं। ये है, चलाएंगे इसके पास से ग्लेंडर, ये हम ग्लेंडर चलाएंगे, अब वापस इस मार्किंग पे लाइन लगाई। इस प्रकार से कितनी लाइन आपको शॉर्टकट में कम टाइम में ज्यादा काम, और यहाँ से लगाएंगे से, आप इस प्रकार से दोस्तों देखिए दोस्तों, इस प्रकार से पट्टी छापी है हमने, और ब्लैक ग्रेनाइट के ऊपर व्हाइट पट्टी कितनी शानदार दिखती है, कैसा बढ़िया लुक आ रहा है। और इसके बाद में यहाँ पे नीचे पट्टी लगा दी है, वो भी मैं आपको पूरा बताता हूँ, आप वीडियो को एंड तक देखना स्टेप बाय स्टेप, बीच में स्किप न करें, अधूरी जानकारी मिलेगी तो कोई मतलब की नहीं रहेगी दोस्तों। कुछ हमारा ज्ञान, कुछ आपका दिमाग, और दोनों को मिला के आप करें, नकल के साथ में अकल भी जोड़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलो आगे दिखाता हूँ पट्टी चिपकाने के बारे में। दोस्तों हम टिप यूज करते हैं लैपॉक्स की, बहुत शानदार आती है मजबूती के साथ में। इस टिप मिलाने के बाद में इसमें सीमेंट कलर डालेंगे ब्लैक वाला, तो जॉइंट दिखेगा नहीं, और टिप शानदार यूज करें लैपॉक्स कंपनी की, बहुत मजबूती के साथ में आती है पकड़ इसकी। इस प्रकार से ब्लैक कलर मिला अच्छे तरीके से, फिर चिपकाएंगे पट्टी। दोस्तों यहां से लगाएंगे ट्यूब, कलर मिलाने से दोस्तों ये फायदा है कि जॉइंट नहीं दिखेगा, और दिखेगा तो वो ब्लैक की लाइन दिखेगी।
जब सीढ़ी का टप्पा की लंबाई ज्यादा होती है, तो जब पट्टी ये 2 इंच की रखे, 2 इंच की रखे या इससे छोटी बड़ी रखे, कम से कम 2 इंच की रखे, जितना पतल लंबा है, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लंबाई, 8.5 फुट की लंबाई है दोस्तों सीढ़ी की। तो इसमें मजबूती बढ़ जाएगी, चौड़ी पट्टी होगी तो। अब दोस्तों यहाँ से पट्टी को चिपकाएंगे, अच्छे से इसको हिला के चिपकाए, तो इसकी जॉइंटों की मजबूती बढ़ जाएगी। और यहाँ पे लगाएंगे हम वाइस दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ वाइस टाइट करें, जॉइंट आए, बारीक जॉइंट होगा और पूरी पट्टी फ्रेश हो जाएगी। बीच में 2 सपोर्ट और लगाए वाइस, इस प्रकार से दोस्तों पट्टी चिपकाए, कई जॉइंट नहीं दिखाई देगा। ये हो गया दोस्तों टप्पा, अब इसको देंगे सूखने, सूखने के बाद में यहाँ पे करेंगे धार की फिनिशिंग। देखिए दोस्तों पट्टी सीधा के किया तैयार, अब इसको फिनिशिंग करेंगे धार लेवल में, और इस तरीके से लेवल करेंगे। और हमने ये टप्पा तैयार किया इस प्रकार से दोस्तों, आप देखिए ये टप्पा तैयार किया। ये ऐसे फिर फाइनल करेंगे टप्पे को। देखिए दोस्तों वाइस लगाने से ऐसा जॉइंट आएगा, आज आएगा ऐसा फ्रेश, आप देख सकते हैं इस प्रकार से जॉइंट आएगा। सुई की नोक आती है, सुई की नोक बारीक, वो भी अंदर नहीं आएगा, इतना भी सेद नहीं दिखाई देगा आपको, परफेक्ट जॉइंट आएगा इस प्रकार से। वाइस लगाने से दोस्तों डबल फायदा होता है, एक तो क्या पट्टी हिलती नहीं, और दूसरी बात ये फायदा क्या है, ये पट्टी में एक सुई की नोक जितना भी सेद नहीं दिखाई देगा। देखिए दोस्तों ब्लैक ग्रेनाइट में 8.5 फुट की लंबाई है सीढ़ी का टप्पा, 8.5 फुट की लंबाई में हमने 1 इंच की पट्टी बनाई है। मैंने आपको
नहीं मिस्त्री भाई को लिए स्टेप बाय स्टेप पूरी नॉलेज बताई है, सीढ़ी में पट्टी छापने का पूरा नॉलेज बताया। आप देखिए ध्यान से और समझे, इस प्रकार से फिटिंग ये आपको दिखेगा। एक ही नाप की सारी पट्टी बनाई है तीनों पत्थर में। इस प्रकार से पट्टी बनाने का बेस्ट तरीका दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम फिटिंग की डिजाइन बताएंगे और नए मिस्त्री भाइयों को काम सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से। इस प्रकार से काम करें दोस्तों।